आज हम बनाएंगे मिक्स वेज हलवा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, मिक्स वेज हलवा। और इसमें ढेर सारी होंगी सब्जियाँ, तो जाहिर सी बात है टेस्ट भी अच्छा होगा और हेल्दी भी होगी। और खास बात यह है कि इसके अंदर हम हलवाई वाली ढेर सारी ट्रिक और टिप्स भी फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से जो इसके अंदर सब्जियों का स्वाद है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, लगेगा ही नहीं कि मिक्स वेज है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी होगी। और हलवाई वाली ट्रिक और टिप्स तो मैं बहुत पहले ही दे चुका हूँ, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो कभी भी सब्जियों का स्वाद तो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि ना तो उसमें कचर कचरपन आएगा और ना ही सब्जियों का स्पेशल स्वाद। तो ये बहुत टेस्टी हलवा बनने वाला है, और प्रो टिप्स के साथ बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इसे घर पे जरूर बनाना चाहेंगे, वो भी हलवाई वाली ट्रिक और टिप्स के साथ। तो देखो, अवॉइड मत करना, बिना उसके ये हलवा नहीं बनने वाला, तो मैं बता रहा हूँ, याद रखना। चलो तो इसे हम बनाते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स काट लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में कुछ नहीं, काजू और बादाम है, तो इन्हीं को हम काट लेते हैं। तो देखो, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं गरी को छोड़कर आप डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल मेरे पास इतने ही हैं तो मैं इतने ही डाल रहा हूँ, बस छोटा छोटा काटना है तो मैं छोटे छोटा काट रहा हूँ। अब लगभग मैंने काजू और बादाम छोटा छोटा काट लिया है, तो इसको रख देंगे एक साइड, और लेंगे फिर से एक कूड़दान, और इसमें डाल देंगे इलायची, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, और अब इसके हम बीजे निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमें बीजे निकाल लेने हैं। बीजे निकाल लिए हैं तो बस इसका बनाएंगे चूरा। तो अगर देखो पहले से पिसी हुई इलायची है तो इसे आप डाल दें, वरना आप इस तरीके से क्रश कर लें। अब लगभग इलायची का चूरा बना लिया है तो सब्जियां काट लेते हैं। तो सब्जियों में लेंगे खीरा, और हाँ, खीरा में बहुत ही प्रो टिप याद रखनी है, अब इसको हम छील लेंगे। लेकिन देखो, खीरा होता है कड़वा, तो छीलने से काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए जब इसे आप छील लें तो आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा चकले काट के, अगर कड़वा है तो फिर इसे नहीं डालेंगे। खैर कड़वा नहीं है तो हम इसे डाल देंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पर दो खीरे लिए हैं, काफी है। इसी के साथ लेंगे कद्दू, लगभग 300 ग्राम जितना होगा। अब इसके छिलके भी निकाल लेते हैं, तो बस इसी तरीके छील लेना है। अब इसे भी रख देंगे एक साइड, क्योंकि ये तो कड़वा होता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब लेंगे लौकी, तो आधी लौकी भी डाल लेंगे। तो देखो, मिक्स वेज बना रहे ना, तो बहुत कम सब्जियां डाल रहे, लेकिन सब्जियों की क्वांटिटी काफी है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी हम छील लेते हैं और इसको भी रख देते हैं। और अब बस हमें सारी सारी सब्जियों को करना है कद्दूकस। लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा सब्जियां भी हैं, तो अवॉइड मत करना, वीडियो पूरा देख के जाना। तो अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और लेंगे इस तरीके का कद्दूकस, बड़े छेदों वाला। तो सबसे पहले इससे हम खीरा को कद्दूकस करेंगे, तो इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। तो सारा सारा खीरा आप कद्दूकस कर लो, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ कद्दू को भी कद्दूकस कर लेंगे। तो देखो, कोई भी चीज हमें कद्दूकस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बस अच्छी तरीके से आपको करना है। कद्दू भी कद्दूकस हो गया है, तो लौकी भी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने लौकी के बीज नहीं हटाए, तो थोड़े बहुत बीज आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपको लगता है तो हटा सकते हैं, वैसे भी इसके अंदर इतने बीज नहीं है, एक ही दो थे, तो मैंने कहा बना रहने दो। अब लौकी भी कद्दूकस हो चुकी है, तो कर लेंगे गाजर। तो देखो, गाजर ऑप्शनल है, सीजन है तो डालो, नहीं है तो ना डालो, अगर मिल जाए तो डाल दो, और अगर नहीं मिले तो ना डालो। तो जो भी चीज़ें आपको मिल जाए, जो भी सब्जियां, वैसे आप बताएंगे तो जाने कितने प्रकार के हम आपके साथ हलवे की रेसिपी शेयर कर देंगे। और वैसे भी मैंने एप्पल हलवा और जो गोभी का हलवा है ना, वो शेयर किया है, तो जाके आप उसकी रेसिपी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। बाय द वे, हमने सारी सारी सब्जियों को कद्दूकस कर लिया है, तो अब इसका बिना पानी हटाएं इसको डायरेक्ट डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। वैसे आप चाहें तो हटा सकते हैं, तो थोड़ी सी जल्दी बन जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ पानी पानी उड़ाना है और न्यूट्रिशन इसके साथ रखना है, तो इसीलिए हमने पानी को नहीं हटाया। तो कोई खास ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में सारा सारा पानी उड़ जाएगा। अब सारी सारी सब्जियों को हम एक सा करके ढक देते हैं। अच्छा, ढकने से क्या है, सब्जियां पक जाएंगी, तो इसीलिए अच्छी तरीके से आप ढक दें। लगभग 2 मिनट बाद खोलेंगे, देखो कितना पानी छोड़ दिया है, तो इसे हम फिर से चला लेते हैं और अब फिर से इसे ढक देते हैं। अब लगभग 5 मिनट हो चुका है, और देखो सारी सारी सब्जियां अच्छी तरीके से पक चुकी हैं, मुझे लग रहा है, और देखो पानी भी काफ़ी छोड़ा है। फिलहाल इसमें अभी और पानी छोड़ेगा, क्योंकि हम डालेंगे चीनी, तो लगभग यहाँ पर 1.5 कप जितनी चीनी भी डाल देते हैं। तो मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा भी आप खाना चाहें, जैसे कि कम मीठा खाएं तो कम चीनी डालें, और इससे भी ज़्यादा मीठा खाना चाहें तो ज़्यादा, तो आपकी अपनी मर्जी है। बाय द वे, चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई। तो ध्यान रखो, इसे हाई फ्लेम पर पकाना है, लेकिन जब ढक के पकाएंगे तो स्लो कर देंगे। उसकी वजह है कि अगर इसका पानी नहीं छोड़ेगा तो नीचे तले में चिपक जाएगी। तो पहले सब्जियां पानी छोड़ दें, उसके बाद गैस की फ्लेम को हाई कर दें और फटाफट से उड़ा दें। तो लगभग 5 मिनट लगेगा उड़ाने में पानी, तो 5 मिनट इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी मैंने हलवाई वाली ट्रिक और टिप्स फॉलो नहीं की है, डायरेक्ट ऐसे बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब्जियां भी कच्ची होंगी। तो अब यहाँ पर करेंगे हम प्रो टिप, लेकिन इसका हम पानी पूरा उड़ जाने देंगे उसके बाद। अब लगभग पानी उड़ चुका है, और आपको लग भी रहा होगा कि पानी नहीं है, तो अब करेंगे हलवाई वाली ट्रिक का यूज, क्योंकि अभी तो इसमें कच्चापन है। तो कच्चापन दूर करने के लिए क्या करना है, डालना है इसके अंदर हल्का सा घी। तो देखो, घी डालने के बाद इसकी करनी है भुनाई। अगर ये आपने काम नहीं किया तो समझिएगा कि जो सब्जियों का कच्चापन है ना, वो भर भर के आएगा। तो इसीलिए घी डालकर इसको अच्छी तरीके से भूनें, और इससे पहले घी कभी भी ना डालें। तो ये प्रो टिप है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। इसी से हलवाई के जो हलवे हैं ना, एकदम से परफेक्ट बनते, और घर पे कमी रह जाती है।
तो छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें। तो इसीलिए इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे तेल डालने के बाद, वो भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब देखो तले में ये चिपक रहा है, तो ऐसी ही सब्जियां चिपकनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो बढ़िया तरीके से इसे भूनो, लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगेगा और सब्जियां भुन जाएंगी अच्छी तरीके से, कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से भून लो। अब लगभग सारी सब्जियां घी के साथ भुन चुकी हैं, तो इसमें डाल देंगे सबसे पहले इलायची पाउडर जो मैंने बनाया था, इसी के साथ डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स और फिर से इसे हल्का सा भूनेंगे। तो लगभग सारी चीजें भुन चुकी हैं, तो अब डाल देंगे इसके अंदर हम मावा। तो देखो मैंने यहाँ पर दानेदार मावा लिया है और इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देखिएगा, जाके बिल्कुल दानेदार बनेगा और एकदम से सफ़ेद बनेगा, गारंटी है। प्रो टिप है हलवाई वाली, तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बनेगी, जाहिर सी बात है। बाय द वे जब भी हम मावा को मिलाएं तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें, बस इस बात का ध्यान रखें। अब लगभग मावा सब्जियों में अच्छी तरीके से मिल चुका है, इसका मतलब हलवा बनके तैयार है। हाँ, आप यहाँ पर बर्फी बनाना चाहें तो इसे आप जमा दें, लेकिन हमें तो यहाँ पर हलवा रखना है, तो इसीलिए प्लेट में निकाल लेते हैं। लो जी, हलवा तो बन चुका है, बस कमी रहेगी थोड़ी सजाने की, तो वो भी सजा देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा देते हैं, तो हमारे पास काजू रखे थे, उसी को हम लगा देंगे। वैसे मुझे सजाने का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं सज जाए। लो जी, हलवा तो बन चुका है, बस अब इसे आप सर्व करिएगा। तो कब बना रहे हैं इस तरीके का मिक्स वेज वाला हलवा, हेल्दी है, टेस्टी और सबको पसंद आएगा, और पता भी नहीं चलेगा इसमें किस किस की सब्जियां डाली हैं। और खास बात यह है कि ये कुछ हद तक गाजर के हलवे जैसा ही लगेगा, क्योंकि सारी सब्जियां मिक्स है ना, और सब्जियों का टेस्ट भी नहीं आ रहा, तो किसी का भी आप समझ सकते हैं। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इसे आप जरूर एक बार घर पर ट्राई करेंगे। देखो ट्राई करना, तो फीडबैक देना, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, पैसे नहीं लगने कर लेना।